आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। फिल्मों में क्यों हीरो को हथियार लिए जंग लड़ते देखना ऑडियंस को है इतना पसंद? आखिर क्यों रियल लाइफ में नफरत किए जाने वाले गैंगस्टर्स को बड़े पर्दे पर मिलता है बेशुमार प्यार? बॉलीवुड में हर तरह की फिल्में बनती हैं, रोमांटिक, एक्शन, थ्रिलर, पर कई बार हीरो को इन सभी सही गलत के परे जाकर बागी बनते देखना अपना ही मजा आता है। जब विलन के नहीं बल्कि हीरो के नाम से लोग काम जाए, ठीक रॉकी की तरह, जिसके नाम में इतना पावर हो कि काम हो जाए, जिसके गाड़ी से निकलने एक पैर में इतनी ताकत है कि आग भर की रही पूरी दुनिया रुक जाए। कभी कभी ऐसे धौंसिया हीरो की धौंस देखने में अलग ही मौज आती है। उसके बोलने का तरीका, हर कारनामे में अलग ही स्वैग और स्टाइल होता है, और इसी स्टाइल को सीन लवर्स कर मरते हैं। शायद यही कारण है कि जो हमारे फैंस को हीरोज के गैंगस्टर रोल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, कभी उनकी लव स्टोरी तो कभी उनके राइज टू पावर स्टोरी। और अब के KGF 2 में भी हमें रॉकी का यही खौफ देखने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि फिल्म के तीसरे भाग में भी ये लेजेंड कंटिन्यू रहे। उससे पहले आज जानते हैं बॉलीवुड की कुछ सबसे पॉपुलर गैंगस्टर फिल्म्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है अनुराग बासु की फिल्म गैंगस्टर। ये कंगना रनौत की बॉलीवुड में पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने उनके साथ इमरान हाशमी और शाइनी अहूजा थे। फिल्म में गैंगस्टर की लव स्टोरी को दिखाया गया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही थी। फिल्म के साथ ही साथ गाने भी सुपर हिट हुए थे। दूसरे नंबर पर है संजय दत्त की सुपर हिट फिल्म वास्तव। फिल्म की टैगलाइन द रियलिटी का अर्थ मुंबई में अंडरवर्ल्ड के जीवन की कड़वी सच्चाई से था। ऐसा माना गया है कि ये फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन के जीवन पर आधारित है। फिल्म में संजय दत्त के ऑपोजिट निर्माता शिरोडकर थी। फिल्म के साथ साथ फिल्म के डायलॉग्स भी सुपर हिट साबित हुए थे। तीसरे नंबर पर है 1998 में आए राम गोपाल वर्मा निर्देशित गैंगस्टर फिल्म सत्या, जिसका भूक और महात्रे का किरदार आज भी याद दिलाता है। ये किरदार मनोज बाजपेयी ने निभाया था। सत्या आज भी एक कल गैंगस्टर फिल्म मानी जाती है। अगली फिल्म आपने देखी हो ना देखी हो, आप इनके एक्ट्रेस और डायलॉग्स को जरूर जानते होंगे, क्योंकि फिल्म के कई सीन्स आजकल मीम्स में खूब इस्तेमाल होते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का पहला और दूसरा भाग आज भी लोगों की हिट लिस्ट में शामिल है। भाग अगर एक मनोज बाजपेयी ने सरदार खान बनाकर लोगों का दिल जीत लिया, वहीं दूसरे पार्ट में फैजल खान बनकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना जलवा दिखाया। फिल्म में भरपूर देसी एक्शन के साथ ही देसी गाने भी सुनने को मिले थे। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी का अनोखा रोमांस भी दर्शकों को काफी पसंद आया था। आखिरी नंबर पर है अजय देवगन और इमरान हाशमी स्टार फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई भी सिनेमा की बेहतरीन गैंगस्टर फिल्मों में शुमार है। फिल्म में सुल्तान मिर्जा बनी अजय देवगन के डायलॉग्स को तो आज भी याद किए जाते हैं। वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई में कंगना रनौत और प्राची देसाई मुख्य किरदार में नजर आए। हम जानते हैं कि इस लिस्ट में अभी और कई नाम जोड़े जा सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसे आगे बढ़ाइए और बताइए कि आपको क्या लगता है आने वाले समय में KGF इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करिएगा और आगे की जानकारी पाते रहिएगा।